गाइस ये हमारे हाथ में है 6 फीट का बैट और हम आए हुए हैं कश्मीर में। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कश्मीरी विलों से दुनिया के सबसे अच्छी क्वालिटी के बैट्स बनाए जाते हैं और कैसे इन बैट्स से लगाए जाते हैं छक्के। तो गाइस ये जो आप लकड़ी के बड़े बड़े लॉक्स रखे हुए देख रहे हैं ये कश्मीरी विलो है जिससे अपने सबसे बढ़िया क्वालिटी के बैट्स बनते हैं। सबसे पहले इन लॉक्स को देखिए आरा मशीन में काटा जाएगा और इन्हें एक पर्टिकुलर शेप दे दी जाएगी। वो शेप देने के बाद देखिए इन्हें अलग इकट्ठा किया जाता रहेगा और उसके बाद इनका ढेर लगा दिया जाता है। आप ये देखिए इस तरीके से 6 महीने सूखेंगे। अब देखिए ये सूख चुके हैं और आप क्वालिटी देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी का विलो है ये। अब इन्हें लिया जाएगा इनमें वीकट लगाने के लिए। तो वीकट इसलिए लगाया जाता है जिससे इनमें अपना हैंडल फिट किया जा सके। इस मशीन में देखिए इनमें वीकट लगा लिया गया है। उसके बाद देखिए हैंडल की लकड़ी को भी वी शेप में कट किया जाएगा और इसे बैट के वी शेप में लगा के चेक किया जाएगा कि अच्छे से इसकी फिटिंग आ रही है या नहीं। वहां से फिर इसे आगे भेज दिया जाएगा जहां पे हैंडल के ऊपर लगाया जाएगा महाकोल। इस महाकोल को अच्छे से लगा दिया जाएगा हैंडल पर और फिर इसको बैट के विकेट में लगा के अच्छे से ठोक कर रख दिया जाएगा। कोई 1 घंटे इस तरीके से इसे सुखाया जाएगा। उसके बाद इन बैट्स को मेजर करके इनमें निशान लगाया जाएगा कि स्टैंडर्ड साइज के अपने बैट बन सके। निशान लगाने के बाद इन्हें यहां से भेजा जाएगा अगली मशीन में। इस मशीन में देखिए जो बैट अपने आए हैं इन्हें जहां पे इन पे निशान लगा है वहां से कट किया जाएगा और उसके बाद इन्हें प्रॉपर बैट वाली शेप दी जाएगी। यानी कि इसके ऊपर जितनी भी अपनी एक्स्ट्रा लकड़ी लगी हुई है वो यहां पे इस मशीन में कट करके निकाल दी जाएगी और जो अपनी बैट की शेप होती है वो यहां पे इस मशीन में दे दी जाएगी। लंबाई जो है बैट की वो स्टैंडर्ड साइज में काटी जा चुकी है। अब देखिए इसकी चौड़ाई चेक की गई है और इसकी चौड़ाई को भी स्टैंडर्ड साइज देने के लिए देखिए इसे रंदा मशीन में घुमाया जाएगा कि साइड से इसकी एक्स्ट्रा जो विड्थ है वो खत्म की जा सके। उसके बाद इस बैट को लिया जाएगा और इसके ऊपर पानी लगाया जाएगा। पानी लगाने के बाद इसे डाला जाएगा प्रेसिंग मशीन में। यहाँ पे इसे इसलिए डाला जाता है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे इस बैट के स्ट्रोक निकाले जाते हैं। इस मशीन में ये बैट कंटिन्यूअसली आगे पीछे मूव करेगा और इसे ऊपर से बहुत हाई प्रेशर से दबाया जाएगा। पानी इसलिए लगाया था बैट पर कि जिससे बैट इस प्रेसिंग मशीन में आके अपना फटना जाए और यहाँ पे इस प्रेसिंग मशीन में लगातार दबने से बैट की जो मोटाई है वो लगभग 1/2 इंच कम हो जाएगी और बैट के जो स्ट्रोक्स हैं यहीं से निकलेंगे। यानी कि जब बाद में इस बैट से आप क्रिकेट खेलेंगे तो बॉल के लगने से आपके हाथ में झनकार नहीं आएगी। और ये चीज यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली चेक की जाती है लेदर बॉल से। उसके बाद इस बैट को आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है जहाँ पर इस बैट को लिया जाएगा और हैंडल के साइड से इसे गोलाई दी जाएगी दोनों तरफ से। और गोलाई देने के बाद अब इस बैट की फिनिशिंग शुरू होगी जो कि बहुत सारे प्रोसेस में की जाएगी। तो फिनिशिंग के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले ये मशीन है जहां पर इस बैट को साइड से ऊपर से नीचे से हर तरफ से लगातार घिस घिस कर चिकना किया जाएगा। मशीन में फिनिशिंग देने के बाद देखिए इस बैट को यहां लाया गया है जहां इसे हाथ से फिनिशिंग दी जाएगी। अब देखिए हाथ वाली ये रंदे की मशीन है जिससे इस बैट में जहां पे भी ना कोई कमी नजर आएगी वहां से घिस घिस कर एक्स्ट्रा अपनी लकड़ी उतारी जाएगी और बिल्कुल जो परफेक्ट शेप होती है बैट की वो यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद जब बैट की बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाएगी तब इसे यहाँ से आगे भेजा जाएगा। अब यहाँ पे आया है ये ग्रिप की तैयारी के लिए। तो देखिए बैट नीचर अपना पहले तैयार हो चुका है। यहाँ पर रेगमाल की सहायता से ग्रिप को और ग्रिप के साइड वाले एरिया को बिल्कुल स्मूथ किया जाएगा कि जब हम इसे पकड़ के खेलें तो हमारे हाथों में कहीं से कुछ चुभे ना। उसके बाद इस बैट को यहाँ से आगे भेज दिया जाएगा मरम्मत के लिए। बैट और उसके हैंडल के बीच में कहीं कोई छेद रह गया हो तो वहां पर ये बारूद और फेविकोल की मरम्मत भर दी जाएगी और उसके बाद इन बैट्स को भेजा जाएगा फाइनल फिनिशिंग के लिए और ये दी जाएगी इस मशीन पर जहां पर ये रेगमाल लगातार घूमता रहेगा और उसके ऊपर इस बैट की लगातार घिसाई की जाती रहेगी। बैट के जितने भी सरफेसेस हैं सभी को इस रेगमाल पर घुमाया जाएगा जिससे कि बिल्कुल स्मूथ अपना फाइनल प्रोडक्ट निकल के आए। यहाँ पे इस बैट में कोई फिनिशिंग में कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उसके बाद इस बैट को भेजा जाएगा अगली जगह जहाँ पे इसमें अपनी ग्रिप चढ़ाई जाएगी। ग्रिप चढ़ाने के लिए इस बैट को देखिए लिया गया है और यहाँ पे फंसाया गया है। उसके बाद ये धागा लेकर इसका जो हैंडल है उसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है क्योंकि पहले धागा सारे हैंडल पे चढ़ाया जाएगा उसके बाद ग्रिप आएगी। गाइस 300 रुपए से यहाँ पे जो बैट्स हैं अपने वो स्टार्ट हो जाते हैं और 2500 रुपए तक जाते हैं और हम इसको गारंटी देते हैं अगर हैंडल इसका निकलता है हम इसका नया बैट देते हैं कस्टमर लाइफ टाइम। तो अगर आप क्रिकेट के सबसे बढ़िया क्वालिटी के बैट खरीदना चाहते हैं ये भैया साहब संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा वहां से मंगा लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने हर उस दोस्त भाई बहन जो भी क्रिकेट खेलता है उनके साथ शेयर कीजिएगा कि सबको पता चल सके कि सबसे बढ़िया क्वालिटी के क्रिकेट वाले जो बल्ले होते हैं वो बनाए कैसे जाते हैं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा।